सलमान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ऐसा लगा कि पूरी पूरी अपने आने वाली फिल्मों की फेहरिस्त के ऊपर उन्होंने बात कर दी है। और यहाँ पर मैं बात करूंगा एक स्पेशल फिल्म के बारे में जिसका इंतजार 11 मुल्कों के फैंस कर रहे हैं। ये है बजरंगी भाईजान 2। बजरंगी भाईजान 2 के बारे में एक बड़ी डिटेल सलमान खान ने ये रखी है साफ साफ कि इसका टाइटल होने वाला है पवन पुत्र बजरंगी भाईजान। जी हाँ दोस्तों, पवन पुत्र बजरंगी भाईजान। और इसकी स्टोरी के वी विजेंद्र प्रसाद जो कि SS राजामौली के फादर है, बात करते हुए मीडिया से उन्होंने ये कहा कि SS राजामौली के साथ फिलहाल शायद काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोगों ने ये पूछा था ना कि क्या बजरंगी भाईजान 2 में SS राजामौली के साथ काम करे। तो उन्होंने कहा कि उनके साथ तो नहीं करे लेकिन उनके पिताजी के साथ मैं जरूर काम कर रहा हूँ, जिसकी स्टोरी ऑलमोस्ट हो चुकी है, KB विजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, जो मैं बहुत जल्द उस पर काम करने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ फिल्में उनकी फेहरिस्त में है, वो कम्प्लीट करने के बाद ही वो बजरंगी भाईजान 2 करेंगे। जैसे कि उन्होंने कहा कि टाइगर 3, पठान तो ऑलरेडी हो चुकी, टाइगर 3 पे वो काम करेंगे, इसके अलावा कभी दिवाली वो कर सकते हैं, और उसके बाद उन्हें फुर्सत मिलेगी तो वो ज़रूर ये फिल्म करने की कोशिश करेंगे। यानी कि एक चीज़ साफ है कि यहाँ पे सलमान खान के हाथों में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं, और वह हम उम्मीद करते हैं कि इन फिल्मों में वो काम करें और वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े। और बजरंगी भाईजान 2 के बारे में इतना बोलना है, जितनी फिल्म आ जाएगी वो सही तरह से बन गई बॉक्स में रहे, ये फिल्म 400-450 करोड़ कमा लेगी। चलिए फिलहाल के इतना ही, बाय।